यूमियो टीवी पे आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ ट्रायो के साथ। जी हाँ, उनका व्लॉग अभी अभी जस्ट फेमस हो रहा है। मेरे साथ हैं मोइना, ऋषि और गौरव, री मो रव। और हम आज यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही उम्दा इवेंट के लिए। इसको मैं इवेंट ही कहूंगा क्योंकि आई थिंक ऐसा इवेंट ही होता है साल में एक बार, जहां पर हमें बहुत खुशी होती है। आपने इवेंट मैनेजमेंट किए? हाँ जी, शुरुआत ही किया मैंने, कर सकते तो बहुत ही खुश हुई इस बात को लेकर कि हमारे रिमोरव के रव का जन्मदिन है। तो जोरदार तालियां 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 बर्थडे तो तालियां। हाँ जी। अच्छा, मेरा एक सवाल जो आप लोगों से कि हम लोग बहुत सारे ऐसे कुछ ना कुछ हम लोग इनोवेटिव करते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया व्लॉग का? बस हम अपनी फ्रेंडशिप के साथ कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे क्योंकि हम लोग हमेशा मिलके बहुत सारी हंसी मजाक वाली चीजें करते रहते थे। ये दो बहुत हंसाते हैं मुझे और हंसती रहती हूँ मैं, तो हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग। एक्चुअली जब मैं शो में आया था, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट मेरी किसी से इतनी बॉन्डिंग ज्यादा बन नहीं पाई थी। ये पहले थे जिनसे मेरी अच्छी बातचीत हुई, देन धीरे धीरे इनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद में हम लोग ग्रीस गए शूट के लिए, तो वहाँ पे हम लोगों ने इतना सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी। देन जब हम वापस आए वहाँ से, तो इनका ये आइडिया था कि यार हम लोग इतना अच्छा करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, एंटरटेन करते हैं, तो क्यों ना हम लोग यूट्यूब के लिए एक चैनल स्टार्ट करें जिससे हमने फैंस हैं वो लोग हमें सैटरडे संडेज को भी देख पाए, उनको भी अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूँगा इन दोनों को क्योंकि एक आइडिया होता है और उस पर काम करने की जो आप कहते हैं ना एक चाह और या फिर एक एक जो दिल होता है, वो मुझसे ज़्यादा मुझे डिस्कवर जब हमने ब्लॉग शूट किया तब पता चला कि मुझसे ज्यादा दिल इन दोनों में है, क्योंकि कभी कभार मेरा भी दिल कर जाता है कि बीच में थोड़ा सा एक आई थिंक एक टीम वर्क होता है। तो ये जो टीम है रिमोरव जो है वो आप ही के लिए है। बस ये स्टेप बना गया हमने, ये लेटेस्ट रिमोरव। बेसिकली हम तीनों में वो चाह थी और वो जज्बा था कि हम अपने फैंस को खुश करें। एंड आई थिंक हम तीनों की जो हम क्या करते हैं, हम तीनों मस्ती करते रहते हैं और कैमरा ऑन कर देते हैं, बस कुछ नहीं है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही है, दैट्स इट। अभी तक चार वीडियोस आप लोग के आउट हुए हैं, कौन सा वाला आप लोगों का फेवरेट है उनमें? सारे ही हमारे फेवरेट, हम लोग ऐसा नहीं सेलेक्ट कर सकते, बट या कुछ डेयरिंग ज्यादा थे जो मॉल में हम लोग फर्स्ट जो हमने मेहनत की थी पहले के लिए उसमें। आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि गौरव स्पेशल बर्थडे अभी चल रहा है सेगमेंट, तो मैं बर्थडे बॉय की एक बात बताना चाहता हूँ। हमने जब सोच रहे थे कि चैलेंजेस क्या किए जाए अपने मन में, तो हम जब डिसाइड किया, मैंने और मोइना ने सोचा कि इसको कुछ ऐसा देते हैं, कुछ हमने पहले तो बहुत खतरनाक सोचा था जो शायद आपको आगे आने हम करें तो अभी बताएंगे नहीं बता सकते, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा ना करें कि जिसमें इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो हमने थोड़ा सा अगर स्टार्ट किया तो इन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ उल्टा काम किया जाए, तो थोड़ा सा इनके कंफर्ट जोन में किया, लेकिन अब ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके हैं। हाँ। तो अब आपके बर्थडे आपका बर्थडे का तो हम ठीक है निकाल देते हैं अच्छे से, आगे आने के बाद तैयार रहे। मॉर्निंग भी है, मॉर्निंग है बाजी, मेरे पास इसके लिए चैलेंज भी आज, बर्थडे चैलेंज। तो फिर हम वक्त जाया नहीं करते और केक कटिंग करते, उसके बाद बाद की बात बाद में करते हैं। चलिए, ये है गौरव, तुम्हारा बर्थडे केक। एक सेकेंड, ये क्या बात हुई? पहले कहा गया बहुत सारा केक, पहले कौन है विश, पहले विश मांगते हैं ऐसे, हाथ जोड़ के विश मांग पहले। 1 2 3 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाधवा, हैप्पी बर्थडे टू यू, प्लीज कट द केक। स्टाइल से हाँ, डांसर स्टाइल ये कटो। कैसा लगा निशाना? बट केक तुम ठीक हो ना? अब देखते हैं ये किसे पहले खिलाएगा। एक तरफ है मेरा भाई, एक तरफ है मेरी। अब देखते हैं ये किसे पहले ये खुद ही कहा गया। देखते हैं ये किसे खिलाएगा अपने आप को खिलाने के बाद। पहले नवीन को खिला दे, मैं बोल रहा हूँ पूरा लग जाएगा सेगमेंट। मैं एक चीज सीखा हूँ पिछले साल, पता है मुझे, कैमरे को खिलाऊंगा। मैं वो खा लिया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच।
ऑलराइट, सो जैसे कि आप सब जानते हैं रिमोरव व्लॉग्स हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, हम उसमें हमेशा एक न एक दूसरे को चैलेंजेस देते रहते हैं. सो आज हमारे मिस्टर गौरव का बर्थडे है, तो वो किसी चैलेंज से बच जाए ऐसा. वो एक मतलब एक साल और बड़ा हो रहा है, राइट? हाँ. तो हमारा चैलेंज जो देने का मामला है वो भी तो थोड़ा आगे बढ़ेगा, राइट? तो हम उसे कुछ पेचीदा टाइप का चैलेंज देते हैं, और वो अगर बच जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर हम उसे बचा दें ऐसा हम हो नहीं देंगे. पड़ेगा उसको. यस. सो मोइना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है. एक्चुअली हम आपको बता नहीं सकते ना, क्योंकि डिस्कशन. एक सेकेंड, आई हैव एन आइडिया. रेडी? हाँ, करेगा. वी आर रेडी टू गो. आर यू रेडी? लेट्स गो. इज ही रेडी? लेट्स गो. जैसे कि हम अपने ब्लॉग में करते हैं. 1, 2, 3, आर यू गो? ऑलराइट. सो गौरव, आपका स्वागत है रिमोरव व्लॉग्स में. thank नहीं E24 में. oh, wow. आदत है ना मुझे रिमोरव व्लॉग्स बोलने की बार बार. सो आपके लिए चैलेंज ये है, आप जाएंगे न्यू मई. बता दूं इसे, आप तो जाएंगे. मैं तो जाऊंगा, मुझे पता है मैं आज जाऊंगा भाई. आपके सामने वो दरवाजा दिख रहा है, आप बताइए. सो बेसिकली द चैलेंज इज कि आपको उस दरवाजे को खोल के वहां जो इतने सारे लोग बैठे हैं उनके बीचों बीच जाके भागना है और बोलना है यो इट्स माय बर्थडे. दो तीन स्टेप करने हैं सलमान वाले. और आपको बोलना है कि खाना मेरी तरफ से फ्री है, इनको दो चपाती और दो. ये चले चलो चलो यार, कुछ और दे लेते हैं यार तुम लोग. नहीं नहीं, यही करना पड़ेगा. ऑडियंस, आपको क्या लगता है इनको करना चाहिए? हाँ, मुझे दिख गए, वो करना चाहिए. यही करना पड़ेगा आपको. फिर चाहे तुम वापस आके यू नो थोड़ा रो लेना. बाद में तुम सॉरी बोल सकते हो उनको कि मेरा ये चैलेंज था, लास्ट में बोल देना, वो कर जाएगा. देव गौरव, इट्स योर बर्थडे और एक साल हो रहा है. आर यू एक्साइटेड? चलो लेट्स डू इट. लेट्स गो. सो दैट वॉज लाइक ऑसम कह सकते हैं. ऋषि, व्हाट वॉज योर रिएक्शन? यार मेरा रिएक्शन तो हमेशा कमाल का रहता है, क्योंकि ये वो है जो जो भी चैलेंज हम देते हैं वो बहुत ही बाखूबी करते हैं, और हमारी आई थिंक हम तीनों ही ऐसे हैं कि जो भी हमें करना पड़े हम बाखूबी करते हैं. लेकिन इन्होंने जो आज किया अपने बर्थडे पे, आई थिंक मुझे अगर बोलते तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन इन्होंने किया. इसके लिए मैंने कैसे किया भाई, मैं अगर आप व्लॉग में बोलते तो मैं नहीं कर पाता. लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. ओनली फॉर E24. आपको कैसा लगा? आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा. तो बेसिकली वो लोग जो वहाँ खाना खा रहे थे उनको स्पेशल चम्मच रह गया भाई, बहुत सब व्यू देख रहे हैं मुझे. एंटरटेनमेंट मिल गया उनको, सो आई एम श्योर दे आर आल्सो वेरी हैप्पी. पैसा वसूल हो गया उनका. कल से ऐसा तो नहीं होगा कि बोलेंगे कि अरे कल वो जो डांस किया था उसे वापस बुलाना? हाँ, हो भी सकता है. तुम अपना रेट डिसाइड करके रखो. क्या करके रहता कुछ भी, अपना रेट डिसाइड करके रखो, आ जाना रोज पैकअप के बाद. व्हाट ऑल द प्लान्स आपके बर्थडे के, क्या प्लान्स है? हाँ, ज्यादा कुछ खास प्लान नहीं है. मैं अपने बर्थडे के दिन शूट कर रहा हूँ. ऑब्वियसली मैं शूट कर रहा हूँ, पूरा दिन शूट चलने वाला है, मे बी एक्सटेंड हो सकता है. उसके बाद आफ्टर पैकअप हम लोग देखेंगे, अगर कुछ टाइम मिला तो हम लोग कहीं पे डिनर पे जाएंगे. एंड ऑब्वियसली मॉर्निंग में मैं मंदिर एंड गुरुद्वारा ऑफकोर्स जाऊंगा, एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जयपुर जाऊंगा एंड वहाँ पे अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूंगा. एनी बर्थडे मेमोरी इफ यू वांट टू शेयर विद अस गौरव? या मेरी बर्थडे मेमोरी सबसे बेटर वही थी, क्योंकि मुझे बता रहे थे, मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि मुझे बता रहे थे कि ये लास्ट बर्थडे यार, मैंने लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट वर्किंग बर्थडे था, एंड वो भी मैंने E24 के साथ सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर भी, और ये मेरा सेकंड वर्किंग बर्थडे. आज भी यही मेरे साथ है. एक बार नवीन जी, बहुत कम होता है नवीन जी के लिए तालियां यार, ये बहुत कम होता है. ये थ्रू आउट मेरे साथ रहे हैं जब मैं ये है मोहब्बतें में एंटर किया था. फ्रॉम द डे वन इन्होंने पूरा मेरा इंटरव्यू से स्टार्ट किया, एंड आज तक जितने भी शोज मैंने किए हैं इन्होंने सब वो कवर किए हैं. सारे इंटरव्यूज एक्सक्लूसिवली ऑन E24 आए हैं मेरे. सो थैंक यू सो मच E24. एंड जहां तक मेमोरीज की बात है, मेमोरीज काफी हैं बर्थडे की. एंड जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, तो वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है. तो एक दिन हम लोग काफी काम में लेट थे, मैं उस दिन शायद कुछ काम में बिजी था, एंड रात के 11 बज चुके थे, सारी शॉप्स बंद हो गई थी,
कुछ केक नहीं मिल रहा था, तो बहुत दूर कहीं जाके हमें सिर्फ एक केक का ऑप्शन था, दैट इज आइस केक, वहाँ पे एक आइस केक आता है। ओके okay. एंड रात को आप मानोगे नहीं, रात को 12-1 बजे वो केक वो लोग लाए, मेरे दोस्त लोग, और मुझे छत पे बिठाया, मेरी टी शर्ट उतरवाई, आइस केक मुझे खिलाया और ऊपर से ठंडा पानी फेंका। एंड ये बहुत सच कह रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चलेगा मुझ पे क्या बीती होगी, मैं लिटरली ऐसा था। सो वो वैसा बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकता यार। ये तो दोस्त तो फिर अच्छे ब्लॉग, उनमें भी बुलाओ, हम ब्लॉग में डालते हैं, ब्लॉग मटेरियल है वो बिल्कुल। अच्छा, लास्टली रिमोरव की तरफ से व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स एंड गौरव, इट्स योर बर्थडे। ये हमारा दूसरा हफ्ता है, हम लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं जस्ट इन 2 वीक्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, सच्ची में बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी। हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो वी वर प्लानिंग कि इतना टाइम लगेगा एटलीस्ट 5 वीक्स 6 वीक्स, एंड इन जस्ट 2 वीक्स हम लोग आज इतना खुश थे, और आज ही वो हुआ है मेरे बर्थडे के दिन हम लोग जो केक कट रहे हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, एंड आप लोग जो कमेंट करते हैं हम लोग सब पढ़ते हैं, एंड उससे इनपुट्स हम लेते हैं जिसे हम नेक्स्ट यूज कर पाए। सो जो जो भी आप लोग नीचे लिख रहे हैं हम बिल्कुल उस पर ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है आगे वाले ब्लॉग्स में आपको वही देखने को मिले। सो बर्थडे तो सेलिब्रेट कर लिया, टॉकिंग अबाउट द एम्बियंस और सब कुछ, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना बर्थडे द टिप्सी टेरेस पे सेलिब्रेट किया, क्योंकि यहाँ की जगह बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग विजुअल्स में देखेंगे कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, एंड बहुत बहुत अच्छा लगा यार यहाँ के। अगर किसी बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट देनी है, अगर किसी गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड को ट्रीट देनी है, तो वो यहाँ जरूर आना, दैट इज द टिप्सी टेरेस। अपनी फैमिली को भी ला सकते, फैमिली को भी ला सकते हैं, लेकिन अगर बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट देनी है, गर्लफ्रेंड को अपनी बॉयफ्रेंड को ट्रीट देनी है, तो वो यहाँ जरूर आना। इस जगह का नाम है द टिप्सी टेरेस। अगर बहुत सारी लड़कियों को गौरव को यहाँ पे लेके आना है तो हमेशा राजी है, मैं हमेशा आ जाऊंगा, ये जगह बहुत अच्छी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गौरव, एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वंस अगेन। कैमरा पर्सन भुवन के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, जी 24 मुंबई।